आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान क्या पाठ 17वां अध्याय 1 श्लोक संख्या 36 और 37। आगे हमने देखा अर्जुन के द्वारा अलग अलग प्रकार से सगा को, स्नेहियों को, मित्रों को, सगे और स्नेही है क्यों नहीं मानना चाहिए, इनके दो कारण बताए। अब थोड़ा विस्तार से इसी बात को आगे ले जाते हैं। और अर्जुन जो व्यथा परमात्मा श्री कृष्ण के सामने बताता है वो सोचने जैसी है। 36वें श्लोक में बोलते हैं, हे जनार्दन, दूतराज के पुत्र को मारकर हमें कौन सा प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इस आततायियों को मार के हमें पाप ही लगेगा। 37वें श्लोक में बोलते हैं, हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र को, उनके मित्रों और संबंधियों को सहित मारना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यह चर्चा का विषय है। धृतराष्ट्र के पुत्रों और इनके सहयोगी, इनके सैनिक को मार के कैसे खुशी प्राप्त होगी, ऐसा अर्जुन का मानना है। क्रोध और आवेग में आ जाने के बाद शायद किसी का मौत या किसी की हत्या हो सकती है, मगर ये अनर्थ क्या परिणाम लाता है जब आवेग और क्रोध शांत हो जाता है, तभी हमें यही चीज याद आएगी, हमें ही पछतावा होगा, और यही बाबत अर्जुन को चिंतित कर रही है। हमेशा क्रोध और आवेग में हमने देखा है कि मनुष्य गलतियां कर बैठता है। जब आवेग शांत हो जाता है तब ये गलतियों का एहसास होता है, कभी कभी मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है, और ये बहुत भयजनक स्थिति होती है। कुटुंबियों की याद आती है तभी वही चीज खलेगी, उनकी गैरहाजिरी खलेगी, ऐसे में प्रसन्नता कैसे होगी। जब तक ये देह में प्राण है तब तक हम हमेशा खटकता रहेगा हमारे दिल में कि हमारे परिवार के लोग नहीं है, चिंतित रहेंगे, और यही चिंता उनको मोहपास में डाल रही है। अतताई की बात यहां की है, यहां अतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला अतताई, जहर देने वाले अतताई, हाथ में शस्त्र लेके मारने की तैयारी करने वाला भी अतताई है, धन को छीन लेने वाला भी अतताई है, जमीन पचा लेने वाला भी अतताई है, और स्त्री को हरण करने वाला भी अतताई। दुर्योधन और इनके भाइयों में ये 6 के 6 प्रकार की लक्षण है। शास्त्र अनुसार अतताइयों को मारने में कोई दोष नहीं है, मगर शास्त्र ने यह भी कहा है, अर्जुन का कहना है कि मानवीय को कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा वो परमो धर्म है, हिंसा न करना वो महान धर्म है। लोप के वश होकर कुटुंबियों की हिंसा कैसे कर सकते हैं। अतताई होने से दुर्योधन को मारना योग्य ही है, अर्जुन ये सोच रहे हैं, मगर कुटुंबियों की हत्या करना ये कितना सच्चा है, और ये कष्टदायी और पापदायी भी। और इससे बड़ी बात, खुद के कुड़ को खुद के हाथों से नाश करना,
ये कितनी बड़ी तकलीफ है, इनको कैसे मार सकते हम लोग। कुटुंब के लोग, भाई और साथ में संतानें, अतकाई बन जावत, इनसे संबंध काटे जाते हैं, इनको नहीं काटा जाता, इनकी हत्या नहीं की जाती। आगे के श्लोक में बोलते हैं, इसी कारणों के कारण कुटुंबी को कैसे मार सकते हे माधव। ये मारने की ये मरण की आशंका ही बहुत दुख दे रही है। इनको मारने से कितना दुख होगा, मोहवश हुए लोगों को सामने का दोष नहीं दिखता। सामने चाहे कितना भी पापी हो, फिर भी हमें वो नहीं दिखता है। और यही चीज अभी अर्जुन की, यही हाल है हमारे समाज में, ये कितना भयजनक है, ये सोचने जैसी बात है। और इस विषय को सोचना है कि कोई भी विषय में बहुत चिंतन करने से नकारात्मकता आती है, हकारात्मकता कभी नहीं आएगी। और इस विषय में हकारात्मकता को स्थान भी नहीं होता है, और यही चीज विनाश को निमंत्रण देती है। कई बाबतों में देखा है कि कई अपने अंगत ने भी हमको कई चीजों में सही सलाह दी होती है, मगर मोह के वश हम उस सलाह को भी गिनते नहीं है, इसकी अवगणना करते हैं, क्योंकि वो अंधकार का, मोह का पर्दा अपने आंखों पे है। और ये चेतना भी जरूरी होता है, मगर हम चेतते नहीं है, और इसी अंधकार के कारण हम समझ नहीं सकते, और परिस्थिति आखिर में भयजनक होती है। और इसी परिस्थिति में अर्जुन अभी फंस चुका है, इसलिए इस अध्याय को अर्जुन विषायोग कहा है। अर्जुन विषायोग कहने का मतलब ही है, ये विषाद है, ये दुखमय वातावरण में खड़ा हो रहा है, ये विषाद कहता, ये विषाद यही है कुटुंब की लालसा में, मोह में आके कई चीजों को भूल जाता है, यहां तक कि अपनी पत्नियों की बेइज्जती हुई, यही तक छल कपट हुआ, यही तक कि प्रेम को जहर दिया गया। ये अलग अलग बात मारने के लिए, लाक्षागुरु की बात बहुत बड़ी बात की बातें हैं, बहुत लंबी है, मगर ये सब होते हुए भी अर्जुन विषाद योग में आ गया है, और आगे के श्लोक में इसकी चर्चा करेंगे। मगर आगे ये भी परिणाम बताएंगे कि क्या क्या होता है। आप देखिए किस श्लोक से अभी तक यही सब चला है, आगे भी परिणाम चलते रहेंगे। इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत जरूरी, सनातन धर्म के लिए जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है। आपका सहयोग और आपका साथ हमेशा हमें चाहिए, लोगों तक इस चैनल के द्वारा जो प्रसारित होता है वो पहुंचाना ही, क्योंकि हम हो सके तब तक गलत फहमियों से दूर होकर सच्ची बातें रजू करने की कोशिश करते। अस्तु शुभम भवतु।